नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों 18 प्लस के लिए जो है अभी वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यदि नए होंगे मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए बिना समय गमाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल आपको नोट करना है, देखिए https://www.cowin.gov.in/home, ठीक है। यहाँ पे देखिए cowin.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट का यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च बाय पिन जो है नियरेस्ट सेंटर आप ढूंढ सकते हो, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। कितने डोज लग चुके हैं, कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कौन सा फेज है, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको रजिस्टर करना है वो भी यहाँ पे बताया, ठीक है। रजिस्टर योरसेल्फ, चूज़ वैक्सीन लोकेशन, कंफर्म योर स्लॉट, और कुछ क्वेश्चन है तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके पार्टनर्स आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, उमंग और ACSC ये है, ठीक है। तो ठीक है, हम चलते हैं अभी डायरेक्टली हम रजिस्टर और साइन इन यूर सेल पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है और इस पेज पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोन नंबर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु या फिर उमंग ऐप यदि आप यूज़ कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो इसके लॉगिन और पासवर्ड के जरिए भी डायरेक्टली जो है आप रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे, आपको जो है यहाँ पे OTP मांगेगा, यहाँ पे आपको OTP डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपको जो है यहाँ पे एक जो है फोटो आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए फोटो आईडी प्रूफ में आपको जो फोटो आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फोटो आईडी नंबर डालना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पेंशन पासबुक, इनमें से कोई भी एक जो है आईडी सिलेक्ट कर लेना है और उसका नंबर जो है आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपल इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको आपके नाम और उसके आगे का आपका आईडी नंबर वगैरह यहाँ पे शो करेगा, आपकी डिटेल शो करेगा। अब आपको आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, अभी हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। अपॉइंटमेंट किस तरह से शेड्यूल करेंगे, बेसिकली डोज वन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर लिया, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल, यहाँ पर शेड्यूल पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर शेड्यूल नाउ पर आपको क्लिक करना है। शेड्यूल नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इसके बाद जो है एक डेट सिलेक्ट करनी है, और डेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी नियर बाय कोविड सेंटर है उसे चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे नियर बाय कोविड सेंटर कैसे ढूंढोगे आप, यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करोगे शेड्यूल नाउ पे, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट या फिर आप अपना एरिया का पिन कोड डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपके नियर बाय सेंटर दिखेगा और जो जो डेट्स अवेलेबल है वो दिखाई देगा, उस डेट को क्लिक कर देना है और सिंपल आपको जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अपॉइंटमेंट सक्सेस होने के बाद आप इसकी जो है प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। या फिर आपको यदि दिखाना होगा जो आपका सेंटर रहेगा उसमें भी आप दिखाने के लिए इसकी प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने जान लिया जो वेब पोर्टल है उसके उस पर किस तरह से करना है। अब हम जानते हैं कि यदि आप आरोग्य सेतु ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से करोगे। तो देखिए यहाँ पे भी एकदम सिंपल है, आपको आरोग्य सेतु ऐप ओपन करना है, अपना साइन इन कर लेना है। यहाँ पे देखिए टॉप पे एक कोविन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह से वैक्सीनेशन लॉगिन प्लस रजिस्टर ये ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी करनी है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे OTP आएगा, जैसे कि पिछली बार में आया था। इस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और प्रोसीड टू वेरीफाई अगेन, यहाँ पे आपको अगेन उसी बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे रजिस्टर दिखाई देगा और यहाँ पे सेम आप शेड्यूल वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर फॉलो आपको करना है, वैक्सीनेशन को शेड्यूल कीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं,
अपना सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी यदि आपने ऑलरेडी वेब पोर्टल पे लॉगिन नहीं किया तो मीन्स रजिस्टर नहीं किया है तो आई एम सॉरी, तो यहाँ पे भी आप जो है अपना पैन कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी रजिस्टर है इसलिए हमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे भेज दिया इसने, बट आपका यदि पहली बार आप यहाँ से रजिस्टर कर रहे हो आरोग्य सेतु से तो आपको यहाँ पे फिर से पैन वगैरह अपलोड करना पड़ेगा या फिर आधार जो भी आप आईडी अपलोड करना चाहते हैं और उसका आईडी नंबर यहाँ पे डाल के जो है आपको अगेन वही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है इसलिए रजिस्टर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल यहाँ पे है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं भारत में कौन कौन से वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और कौन कौन से हमें लगाना चाहिए। बेसिकली देखिए यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए सभी की सभी वैक्सीन बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ पे आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल वैक्सीन कौन कौन से अवेलेबल मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास अभी है कोविडशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी फिलहाल बना रही है। उसके बाद देखिए हमारे पास है कोवैक्सीन और थर्ड वैक्सीन अभी हमने रसिया से मंगवाई है जो है स्पुटनिक भी सबसे जल्दी काम करने वाली वैक्सीन है या फिर जल्दी बनाई गई वैक्सीन है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।